मध्य प्रदेश शहर में ग्वालियर शहर की पुरानी छावनी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा से स्मैक लाकर शहर में बेचने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्यवाही भी की गई है। पकड़े गए दोनों लोग शहर के ही रहने वाले हैं और छोटा मोटा व्यवसाय करके जीवन यापन करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वे उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर नशेड़ियों को बेचते थे। मुखबिर की सूचना पर इन्हें निरावली चेकिंग पॉइंट पर गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से तलाशी लेने पर 70 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्यवाही कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। जो आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में जिले में लगातार कार्रवाई चल रहा है एक्साइज स्मैक के खिलाफ। इसमें कल पुरानी छानी क्षेत्र में हमने नाका में अब उनको सूचना मिला कि दो बदमाश इधर से स्मैक लेने के लिए यूपी गया है। उनके लौटते वक्त हमने चेकिंग किया, चेकिंग के दौरान इनके पोजीशन से 70 ग्राम स्मैक मिला है, लगभग 7 लाख कीमती है। उनके खिलाफ पुरानी छावनी थाने में एनडीपीएस की एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोपी ये लक्ष्मीगंज एरिया में ठेला लगाते हैं, वो ठेले के फ्रंट पे ये स्मैक बेचते हैं पुड़िया बना।